हेलो। हेलो सर जी। हाँ जी। हाँ, मैं IBS वाला पेशेंट बोल रही हूँ। जी जी हाँ सर, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए फोन किया था। बोलो बोलो। मेरा जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम लेट्रिन का है। जैसा मेरा जो एसिडिटी 5-6 दिन पहले शुरू हुआ था, तो वो भी मुझे याद आया कि 2 दिन ठीक से लेट्रिन नहीं हुआ था। रात में मैं 2 रोटी खाया था, एग रोल खाया था, फिर भी सुबह लैट्रिन ठीक से नहीं आया था। उसके बाद से ही मेरे का वो एसिडिटी शुरू हुआ था। तो उसके बाद तो 3-4 दिन एसिडिटी के वजह से स्टोमक में बहुत पेन था। 2 दिन से जो पेन है वो स्टोमक पे नहीं, वो नेवियल के जस्ट नीचे वाले हिस्से के जो पेट है उसके उसके वहाँ पे मेरा पेन होते है अक्सर। उसके वहाँ पे पेन होती है, वो पेन ही ऊपर उठती है, फिर अल्टीमेट लेवल पे वो बुक मेरा चेस्ट में आ जाती है। तो पेन तो नेवल के नीचे वाले हिस्से में कौन सा ऑर्गन है सर? लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। और वो क्या होता है कि यूटेरस तो है वो सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, यूटेरस का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो सब कुछ ये हो, मेरा तो सब कुछ रिपोर्ट करा हुआ है। तो नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? लेट्रिन नहीं हो रही है या पेन है? पेन तो है ही, थोड़ा सा कल पेन कम था, लेकिन आपने तो कहा था कि पानी ज्यादा पीने के लिए, तो पानी ज्यादा पीने से क्या हो रहा है, ज्यादा पानी पीने का मन कर रहा है, हर वक्त लग रहा है कि थोड़ा पानी पीऊ। और पेन का कल दोपहर तक शाम तक पेन था, उसके पेन कम है, हो रहा है लेकिन कम। तो अभी आपका मेन प्रॉब्लम है कि लेट्रिन नहीं आ रहा? लेट्रिन ठीक से क्लियरली नहीं आ रहे। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेट करो, तो कुछ दिन और वेट करो, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच चीनी खाया करो दिन में। ओके, एक चम्मच करके। सर की खाने का कुछ भी इच्छा नहीं होते। चीनी तो लो, चीनी तो खाया जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा ठीक, 2-4 दिन और वेट करो, ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये क्या मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मुझे ये जो खाना खाने का बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये होता है जब चेंजेस होता है ना, तो थोड़े दिन के लिए दिक्कत देता है, अभी ठीक हो जाएगा 5-7 दिन में। ओके, क्योंकि मुझे जब बहुत कोई स्वादिष्ट खाना देते है वो अच्छा लगता है। अगर दाल भात सब्जी देता है तो उसको उसके पास भी जाने के मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे भूख धीरे धीरे भूख बढ़ने लगेगा दोबारा से, थोड़ा दिन लगेगा, जो भी पेट में एडजस्टमेंट होना है वो होने हो जाएगा, फिर हो जाएगा खाने का भी। बाकी अभी करते रहिए वॉक एंड रेस्ट, ये दोनों करते रहिए ठीक से। ओके, और सर आज क्या करूँ, पानी कितना पीऊँ? कल कितना पिया था? कल तो 1.5 से 2 लीटर करीब। हाँ, तो आज कम कर दीजिए, खाने के साथ पीजिए सिर्फ। ओके सर, ठीक है।